हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक परफेक्ट साड़ी ड्रेपिंग जो कि बिगिनर्स है। सो परफेक्टली साड़ी की जो प्लीट्स है वो हम देखेंगे और परफेक्ट हिप प्लीट्स जो होती है वो भी हम देखेंगे, कितनी अच्छी तरीके से आपका कमर का लुक वगैरह अच्छे तरीके से अरेंज हो जाएगा। तो देखिएगा, यहाँ पर सिंपल सी सिल्क की साड़ी मैंने ली है, प्लेन साड़ी है और इसकी गोल्डन कलर की बॉर्डर है। और इस तरीके से ये जो हम फर्स्ट वाला राउंड लेते हैं वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। सो यहाँ पर पल्लू का जो पोर्शन है उसको हम लेंगे और इसको इस तरीके से गैदर करते हुए पीछे से हमें सामने की तरफ एक बार लेकर आना है। अभी यहाँ पर साड़ी की जो प्लीट्स होती हैं वो हमें पल्लू की जो प्लीट्स हैं वो हमें मीडियम लेंथ की बनानी है, ज़्यादा चौड़ी प्लीट्स यहाँ पर नहीं बनानी है। हमारे हाथ की फिंगर और थंब और इसकी हेल्प से हम इसको इस तरीके से अच्छे से अरेंज करते हुए बना लेंगे। अब ये जो साड़ी है ज़्यादा इसका जो फैब्रिक है वो एकदम सॉफ्ट है, सो ज़्यादा सेफ्टी पिंस यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक हाथ से आप ऊपर उठाइएगा और नीचे के हाथ से हम इस तरीके से अच्छे से सारी जो पल्लू के प्लीट्स है उसको अरेंज कर लेंगे। और अरेंज करने के बाद पल्लू का पोर्शन मैं लेफ्ट वाले शोल्डर पर डाल दूँगी और सेफ्टी पिन लगा कर इसको सेट कर लूँगी। बाद में ये वाला जो अभी यहाँ पर पोर्शन आता है सो फुला फुला ना आए, इसके लिए यहाँ पर भी हमें ध्यान देना ज़रूरी है। सो इसको ये वाले जो बॉर्डर है इसको अच्छे से अरेंज करेंगे और अरेंज करते हुए पीछे से हम सामने की तरफ लेकर आएंगे इस तरीके से। यहाँ पर कमर पर अगर आपका लुक अच्छा चाहते हैं तो इस तरीके से इसको खींचना है, ये वाले फैब्रिक को, और खींच कर यहाँ पर हम एक सेफ्टी पिन लगा कर इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद ये वाली जो साड़ी है सिंपल सी सॉफ्ट है, सो आप अगर नहीं खींचना चाहते हैं तो दूसरा तरीका जो है तो मेरे चैनल पर और भी वीडियोस हैं वो भी आप देख सकते हैं। बाकी की जो साड़ी बची हुई है फ्रंट वाली जो प्लीट्स है वो अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो वन बाय वन हम सारी प्लीट्स को बनाएंगे, अच्छे से अरेंज कर लेंगे और इसको अच्छे से हमें सेट कर लेना है। अभी फ्रंट वाली जो प्लीट्स होती है इसको थोड़ा सा हमें वक्त देना ज़रूरी है, नहीं तो आपका सामने का लुक जो है तो फुला फुला आएगा, आपके जो कमर का लुक है वो भी परफेक्टली नहीं दिखाई देगा। सो इस तरीके से हम इसको अरेंज करेंगे, एक सेफ्टी पिन लगा कर इसको सेट कर लेंगे और सारी जो प्लीट्स हैं उनको भी हमें अच्छे से अरेंज कर लेना है। तो देखिएगा दोस्तों, इस तरीके से हमें इसको अरेंज करना है। आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो देखिएगा, इस तरीके से अभी जो हमारी प्लीट्स बनी है उसके नीचे से जो फैब्रिक है हमने एक पिन लगाई थी, सो वहीं से हमें इस तरीके से ये फैब्रिक को थोड़ा सा खींचना है। इससे होता ये है कि हमारे जो लेफ़्ट साइड में पोर्शन आता है वो एकदम से परफेक्टली बनता है इस तरीके से, और एकदम अच्छे से फिटिंग के साथ हमारा जो लुक है वो दिखाई देता है। तो देखिएगा कितने सुंदर तरीके से हमारा जो कमर का पोर्शन है वो सेट हो चुका है। यहाँ पर एक पिन लगाकर मैं इसको सेट करना चाहूँगी और ये जो हिप प्लीट्स है वो भी हम यहाँ पर इस तरीके से बना लेंगे। तो आपकी प्लीट्स भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से अरेंज हो जाएगी और आपका लुक जो है तो बहुत सुंदर लगेगा। बाद में हमें ये वाला जो पोर्शन है इसको नहीं भूलना है, नहीं तो सारा लुक हमारा बिगड़ सकता है। सो इसको भी हमें अच्छे से अरेंज करना है। साड़ी की जो बॉर्डर होती है उन बॉर्डर पर भी हमें ध्यान देना है, इससे आपका जो लुक है वो एकदम परफेक्टली और सुंदर तरीके से अरेंज हो जाएगा और एक लुक हमारा अच्छे तरीके से दिखाई देगा। तो देखिएगा, टॉप निकालने के बाद इस तरीके से कुछ लुक हमारा परफेक्टली आया है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। आई होप आपको पसंद आया होगा। आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिएगा कितना सुंदर लुक यहाँ पर आया है, परफेक्टली प्लीट्स वगैरह बन चुकी है, कमर का लुक भी एकदम परफेक्टली आया है। सो आई होप आपको पसंद आया हो। तो देखिएगा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।